है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अब स्टार्टिंग में जो ट्रेडर्स देखा तो आप भी कुछ इस प्रकार का डीजे ट्रेडर्स क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को बिना स्किप के इन तक देखना, ठीक है। तो गाइस कुछ इस प्रकार ट्रेडिंग करने के लिए एलआरएम स्वैप की जरूरत है, तो आपके पास एलआरएम स्वैप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल के रखा है, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन होकर एलआरएम स्वैप को डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी ट्रेडिंग की तरफ। तो जाने के पहले आप लोगों के साथ एक छोटा रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। तो यहाँ से आपको लोग तो एलआरएम स्वैप को ओपन करने में दो प्रोजेक्ट को इनपुट करना है, सेफ फेक्ट और ये विनमार, ठीक है। तो इस दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, आप जाकर एलआरएम स्वैप पे इनपुट कर लेना, ओके। फिर क्या करना है, आप लोगों को विनमार पे आ जाना है। तो विनमार पे आते ही आपके सामने कुछ इस वक्त से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी छोटे छोटे बीट दिखाई देगा, तो बीट के हिसाब से आप लोगों को सिर्फ फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले आपको फर्स्ट में आ जाना है, यहाँ से आप लोग एलआरएम पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर पे आपका फोटो है, ठीक है। तो यहाँ से एक फोटो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा, थ्री डॉट पे जाकर आपको फिल कंपोजिशन एरिया करना होगा, एज आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाना होगा, फिर यहाँ पर क्लिक करके फोटो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको कट कर देना होगा, ठीक है। फिर से आपको एलआरएम पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, एक अलग फोटो चूज करना, थ्री डॉट पे जाकर कंपोजिशन एरिया करना होगा, इस पे क्लिक करके सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाना होगा, फिर इस पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना। तो गाइस आई होप आपको सभी समझ में आ रहा है, कुछ इस पर से आपको बीट के हिसाब से सिर्फ फोटो को ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी फोटो को ऐड कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को अगले के बाद बताऊँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस पर तक मैंने वीडियो को इंड तक एक एक करके फोटो को ऐड कर लिया, फिर आप लोगों को इसमें इफेक्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो कौन सी फोटो में कौन सी इफेक्ट ऐड करना है वो मैं सभी बताऊंगा, तो आपको सिर्फ वीडियो को बिना स्किप के इंड तक देखना है, ठीक है। तो पहले बैक जाकर आपको चले जाना होगा सेक इफेक्ट पे, तो सेक इफेक्ट पे आ जाने के बाद ये जो फास्ट इफेक्ट है इसको आपको कॉपी करना है, सिंपली इस फोटो पर टैप कर देना है, इस इफेक्ट पर जाना होगा, थ्री रोड पर जाकर आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना, ओके। तो कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको बिडमार पर आ जाना होगा, तो बिडमार पर आते आपको कौन सी फोटो में ऐड करना, तो फास्ट से लेके आप लोगों को ये इफेक्ट टैप करना है, तो फास्ट जो फोटो है उस पर टैप कर देना, इफेक्ट पे जाना है, थ्री पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, फिर इसका जो नेक्स्ट फोटो पे टैप कर देना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ये इफेक्ट आपको कहाँ तक ऐड करना है, तो यहाँ पर जितने सारी फोटो आपको दिख रहे हैं तो एक एक करके आप लोगों को इफेक्ट को ऐड करना है, यहाँ पर आगे तक एक डबल मार्क दिखा देगा, ठीक है। 5:14 से आगे जितने सारी फोटो आपको दिख रहे हैं तो सारी फोटो में आप लोगों को ये इफेक्ट वन को आप लोगों को ऐड करना है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे बैक चले जाना होगा सेक इफेक्ट पे फिर से, तो सेकेंड इफेक्ट को यहाँ से आपको कॉपी करना है, तो सेम तरीके से यहाँ से फोटो पे टैप करना है, इफेक्ट पे ना थ्री रुपये जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना, ओके। तो कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको बिडमार पे फिर से आ जाना है, तो फिर से आ जाने के बाद आपको कहाँ तक ऐड करना है, तो आपको मैंने बताया था 5:14 से एक डबल मैक है, तो डबल मैक से आप लोग एक बड़ा ड्यूरेशन वाला लेयर दिखा देगा, इस लेयर में आप लोग ये फोटो इफेक्ट को ऐड करना, ठीक है। तो इस फोटो पे आपको टैप कर देना, इफेक्ट पे ना थ्री रुपये जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना, सिर्फ इसी फोटो में आप लोगों को ये इफेक्ट ऐड होगा। फिर क्या करना है, फिर से आपको बैक चले जाना है, सेक इफेक्ट पे फिर से आ जाना है, और लास्ट इफेक्ट को आपको यहाँ से कॉपी करना है, तो सिंपली इस फोटो पे टैप कर देना, इफेक्ट पे एनर्जी पे एक कॉपी इफेक्ट कर लेना, ओके। तो कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको बिडमार पे फिर से आ जाना है, तो बिडमार पे आते आपको या तो डबल बैंक जहाँ से और एक डबल बैंक आपको दिखाई देगा 7:1 से, तो 7:1 से आप लोगों को ये इफेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस फोटो पे टैप कर देना, इफेक्ट पे एनर्जी रूट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना, फिर इसका जो नेक्स्ट फोटो है भी टैप करना, इफेक्ट पे एनर्जी रूट पे जाके पेस्ट इफेक्ट, 7:1 से लेके आपको वीडियो को इन तक जितनी सारी फोटो दिखाई देगा तो सारी फोटो में आप लोगों को ये थर्ड इफेक्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ इस पर से तीनों इफेक्ट मैंने अप्लाई कर दिया, फिर एक आप लोगों को एक अलग HDCC इफेक्ट को ऐड करना, ठीक है। तो पहले आपको बैक जाके चले जाना होगा HDCC इफेक्ट पे, तो यहाँ सेक इफेक्ट में मैंने डाल के रखा है HDCC इफेक्ट, ऊपर आपको यहाँ पर लेयर दिख रहा है 7, तो 6 लेयर है, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इस साउंड पर क्लिक करके कॉपी कर लेना, ओके। तो कॉपी करने के बाद आपको बिडमार पे फिर से आ जाना है, तो बिडमार पे फास्ट में आप लोगों ये फेस्ट कर देना कि ठीक है। तो ये आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पेज 6 क्लियर कर देना, ठीक है। तो पेज 6 क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को इन तक करना है इस 6 क्लियर को, तो फिर से आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना 6 क्लियर को, फिर आपको वीडियो को इन तक आ जाना होगा, फिर इस आइकन पे क्लिक करके नीचे इस आइकन पे क्लिक करके उस 6 क्लियर को वीडियो को इन तक कर लेना, बस इतना ही। आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सी आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर, गाइस आप हम चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।